जेई एडवांस्ड 2020 पेपर 1 क्वेश्चन 1 टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज ए फुटबॉल ऑफ रेडियस आर इज केप्ट ऑन ए होल ऑफ रेडियस स्मॉल आर जो कि कैपिटल आर से कम है मेड ऑन ए प्लैंक केप्ट हॉरिजॉन्टली वन एंड ऑफ द प्लैंक इज नाउ लिफ्टेड सो दैट इट gets tilted making an angle theta from the horizontal as shown in the figure the maximum value of theta so that the football does not start rolling down the plank at its side the sine theta is small r by capital r option b tan theta equal to small r by capital r option c sine theta equal to small r by 2r option d cos theta equal to small r by 2r अब देखिए ये क्वेश्चन ये है कि एक बॉल है तो एक प्लैंक में होल करके एक बॉल को रख दिया गया है अब इस प्लान को हम टिल्टेड कर रहे हैं ठीक है जी तो ये प्लान टिल्टेड किया जा रहा है और ये होल हो जाएगा ऐसा ये दूरी हमें दे रखी है कितनी 2 इंटू स्मॉल आर और ऑब्वियसली इसका जो रेडियस है वो आर है अब ये बात आप समझें कि इस पर फोर्सेज हैं क्या ये एंगल थीटा है फोर्सेज क्या है सबसे पहली फोर्स जो है वो तो है इस बॉल का वेट अब वेट एक वर्टिकल लाइन के अलोंग एक्ट करेगा और दो कॉन्टेक्ट फोर्सेज हैं एजेस की F1 और F2 ये कॉन्टेक्ट फोर्सेज ऑफ एजेस ऑफ द होल इन द प्लैंक तो ये फोर्सेज भी दो हैं F1 और F2 तीसरी फोर्स हो गई वेट mg रोटेशन इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉल के लिए जरूरी है कि ये तीनों फोर्सेज एक ही पॉइंट पे मीट करें तो मे बी F1 कुछ ऐसे लग रहा होगा और F2 कुछ ऐसे एक्ट कर रहा होगा अब F1 और F2 की बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो हमें एनालाइज अभी नहीं करना है अब हम उस पॉइंट पे आते हैं व्हेन जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है व्हेन फुटबॉल is about to roll down the plank when football is about to roll down the plank it par aate hain to ye baat aap samjhiye Given football is about to roll down the plank, उस समय पर F1 will be zero,
एंड देयरफॉर F2 विल पास थ्रू सेंटर ऑफ फुटबॉल. ये मेन कॉन्सेप्ट है. तो अब होगा ये है बॉल, ये है इंक्लाइंड प्लेन, MG ऐसे एक्ट कर रहा है और F2 की जो फोर्स है वो ऐसे एक्ट कर रही होगी. मान लेते हैं सेंटर है O, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B. तो A, B, O और F2 एक्ट कर रहा है ऐसे. लेट एंगल OBA इक्वल टू 5. इस एंगल को मान लेते हैं 5. ये एंगल है 5. तो बॉल पर जो फोर्सेज हैं ये हो जाएंगी, F2 का एक कंपोनेंट होगा DA के पैरेलल, F2 cos phi, और एक कंपोनेंट होगा BA के परपेंडिकुलर, F2 sin phi. इसी तरह से MG का एक कंपोनेंट होगा BA के पैरेलल, जो कि होगा MG sin theta, और एक होगा BA के परपेंडिकुलर जो कि होगा MG cos theta, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से वो तो थीटा है. और अब इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम के लिए F2 sin phi, F2 sin phi इज MG cos theta और F2 cos phi इज MG sin theta. अब इन दोनों इक्वेशन को यदि आप ध्यान से देखें तो डिवाइड करने पे मिल जाएगा tan phi इज इक्वल टू cot theta, यानी कि phi को हम कह सकते हैं pi by 2 माइनस theta. तो अगर एंगल OBA phi है, हम लोग ये कह सकते हैं इसकी वजह से कि एंगल, मान लीजिए ये वाला पॉइंट M है, एंगल MOB इज थीटा. तो ये जो एंगल है ये थीटा हो गया. अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही है, और हमें दे ही रखा है कि AM का वैल्यू है स्मॉल r और OA का वैल्यू है कैपिटल r. तो जो साइन थीटा आएगा इस केस में वो आ जाएगा स्मॉल r बाई कैपिटल r. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा to prevent the football from rolling down the plank
is given by sine of theta max equal to small r by capital R. और यहां से हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए. थैंक यू.